नमस्कार साथियों पीके फार्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई एस फार्मासिस्ट एलोपैथी 2019 के पेपर को तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बिस्मत सब कार्बोनेट इज ए या एन तो कार्बोनेट क्या है इसे हम किस तौर पे यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है इसे हम एडसॉर्बेंट एंड एस्ट्रजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड एडसोर्बेंट एंड एस्ट्रजेंट पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है तो यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड फाइलोक्विनोन इज अनोदर नेम फोर तो आप सभी को पता होगा फाइलोक्नोन एक विटामिन है जिसे हम विटामिन के कहते हैं ये प्लांट से ऑप्टेंट किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विटामिन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री एन एमिनो एसिड कंसिडर्ड एज ए लिपोट्रोपिक फैक्टर इज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मिथियोनिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के तौर पर यूज़ किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड जीप रेलिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव मेलानिन इज ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड तो मेलानिन को हम कौन से एमिनो एसिड से ड्राइव करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड टायरोसिन इसी तरीके की प्रीवियस एग्जाम चाहे एम्स की हो सी हो फार्मासिस्ट हो एनसीएल ओ कोई भी एग्जाम है उसके पेपर हमने डिस्कस कर रखे हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स द कंडक्शन ऑफ क्रोमैटिन एंड सिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग ऑफ सेल डेथ इज टर्म एज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड पिकनोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन द नेचुरल एल्कोलॉइड्स यूज दू यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट इज तो कौन सा एक नेचुरल एल्कोलॉइड्स है जिसे हम गाउट के तो गाउट के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलचे अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहाँ आप अपने क्यूरी कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग आर Given in. तो सर्जिकल ट्रेसिंग की जो शेड्यूल है वो कौन से शेड्यूल में दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ शेड्यूल एफ सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हाइट्रोट्रोपस इज बेस्ड ऑन तो बैक्टीरिया का एक क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम एनर्जी सोर्स की अगर बात करें तो एनर्जी सोर्स के अकॉर्डिंग हाइट्रोटोपस आता है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हैट्रो एनर्जी सोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसे इज परफॉर्म बाय। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो ऐसे है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ रेडॉक्स टाइट्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सब अरेड स्पेस इट इज टर्म एज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ स्पाइनल एनेस्थेसिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द साल्ट यूज इन द एक्सरे स्टडीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इज तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की अगर हम एक्सरे ले रहे हैं तो एक साल्ट का हम यूज करते हैं वो कौन सा साल्ट है वो आपको यहाँ पे बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बेरियम सल्फेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी क्रोमन आर आइसोमेरिक विथ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ क्यूमारिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी द फेज इन मीटियोसिस इन विच कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम इज विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप इच तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ प्रोफेज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नेशिया तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के तौर पे हम किससे जानते हैं तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल डेराइव मेडिएटेड फॉर इंफ्लामेशन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ काइनिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्लिनिकल ओबेसिटी इज एन क्लिनिकल ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच द बी एम आई रेंज इज तो क्लिनिकल ओबेसिटी की जब कंडीशन हो जाती है तो उसमें बी एम आई रेंज कितनी होती है वो आपसे यहाँ पे पूछा है तो वो होती है थर्टी से फोर्टी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन वेल रेन इज देल वेलरेनोन इज द एक्टिव कॉन्स्टिटुएंट प्रजेंट इन तो वेलरेनोन एक केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट है वो किसका है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड जटा मानसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ डीपीसीओ इज कॉल्ड तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन फर्स्ट द सेलिंग प्राइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ए डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्पाइंगोमाइलिन एंजाइम लेस टू तो स्पाइंगोमाइलिन एंजाइम की के अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस डिजीज को हम क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे हम निकमन पिक्टि चीज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द चैनल इन वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होल सेलर्स इज तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा टाइप द टिपिकल चैनल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा काइनिन इन चारों में से आपको प्लाज्मा काइनिन कौन सा है वो बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कैलिडिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द प्रजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्न ऑफ ड्रग सच एज तो एम्पेसिलीन का एब्जॉर्ब्सन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर फूड प्रजेंट है तो तो उसका एब्जॉर्ब कम हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ए ड्रग दैट प्रमोट डायरिशिस फॉर एंटागोनिज्म द एक्शन ऑफ एल्डर इज तो एल्डास्टोरॉन एंटागोनिस्ट कौन सी डायब्यूटिक ड्रग होती है वो आपको यहाँ पे बताना है तो वो होती है स्पायरल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द हाइड्रो आइटम प्रजेंट्स इन फिनोथाइजीन्स आर तो फिनोथाइजीन्स के अंदर कौन सा हाइड्रो आइटम्स प्रजेंट होता है तो उसमें होता है सल्फर एंड नाइट्रोजन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं जिनमें हंड्रेड क्वेश्चन आपके फार्मा पार्ट से हैं और बात करें ट्वेंटी क्वेश्चन की तो वो जनरल पार्ट से हैं तो सभी जनरल पार्ट के क्वेश्चन को भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो हर एक वीडियो अब तक जरूर पहुंचेगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड तो ओवरी रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसे हम क्या कहेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ओफोरक्टोमी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आप सभी को पता है एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट किस में काम आता है ये पेप्टिकल्सर अल्सर के लिए यूज करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड सीमिटिडिन इसी क्लास की ऑर्डर फेमोटिडिन ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हिमोस्टेटिक फोरसेप आर आल्सो नोन एच तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आर्टरी फोरसेप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एनाफाइलेटिक एलर्जी फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट टाइप फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी इटोपोसाइड इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ तो इटोपोसाइड किसका एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है तो so, ये प्लांट ग्लाइकोसाइड का तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ए फार्मेसी प्रोफेशनल बी। तो फार्मेसी प्रोफेशन को क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना है तो फार्मेसी प्रोफेशन में आपको ऑब्जर्वेंट होना जरूरी है हर एक चीज को ऑब्जर्व करने वाला तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ऑब्जर्वेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इंडोथीलियम इज इस द स्क्मस एपिथेलियम एसोसिएटेड विथ तो इससे इंडोथिलियम स्क्वेमस एपिथेलियम है ये किससे संबंधित है वो आपको यहाँ पे बताना है तो ये लिम्फ वेसल से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री कैप्टोप्रिल इज तो कैप्टोप्रिल क्या है ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और एक क्लास की है ए सीई इनिबिटर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक प्रशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल तो इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक आयुर्वेदिक प्रोपेशन है जो सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल कंटेनिंग है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट असावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव एम आर एन ए इज सिंथसाइज इन द न्यूक्लियस एच तो एम आर एन ए जो है वो किस रूप में संश्लेषित होता है सिंथेसाइज होता है वो आपको यहाँ पे बताना है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ एच एन आर एन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोलाइड ये क्लास है एंटीबायोटिक की मैक्रोलाइड तो इनमें से कौन सी है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट इडिथ्रोमाइसिन जबकि स्टेप्टोमाइसिन नियोमाइसिन और कानोमाइसिन इनकी बात करें तो ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन दट इन ऑफ ए मिनिमम ऑफ फोर टू टेन ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर थेराफेटिक बेसिस इज कॉल्ड अगर आप एक ही टाइम पे चार से दस दवाई ले रहे हैं रेगुलरली तो उसे क्या कहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन थर्ड पोलियोफार्मेसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इज एन एल्कोलोइड कंटेनिंग तो पिलोप कार्पिन एल्कोलोइड से ऑपरेंट किया जाता है तो इसमें कौन से रिंग प्रजेंट होती है वो आपको यहाँ पे बताना है तो इसमें इमिडाजोल रिंग प्रजेंट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन स्ट्रक्चर्ड इवोल्यूशन ऑफ ए पेशेंट्स मेडिसिन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम इज टर्म एज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड मेडिकेशन रिव्यू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी द न्यूट्रिएंट एंटी ऑक्सीडेंट प्रजेंट इन पेरियर्स इज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड एलिजिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूनोलिन कंटेनिंग यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सिप्रोफ्लोक्सासिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस और वन ऑफ द लेबोरेटरी फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन तो ओरल पोलियो वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए एक लेबोरेटरी स्थापित की गई है वो कौन सी है वो आपको यहाँ पे बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ पॉस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहां पे है कन्नूर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल्स एट्रोपी इन सीवियर क्रॉनिक इलनेस इज कॉल्ड तो इसे क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे कचेक्सिया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनिबिटर इज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ एसिटाजोलामाइड ये एक ड्रग है तो इसे हम नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनिबिटर भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द प्राइस दैट इज इक्वेट मार्केट सप्लाई एंड डिमांड इज कॉल्ड तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड मार्केट क्लियरिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स मरे कंटेंट्स तो मरे क्या है गम्स है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन द कमेटी फॉर हॉस्पिटल सेटिंग्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फार्मास्यूटिकल केयर इज टर्म बाई डब्ल्यू एच ओ एच तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ डी टी सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन इज तो इमिप्रामाइन आप सभी को पता है एंटी डिप्रेशन ड्रग है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग है और इसका यूज हम एंटी डिप्रेसेंट में करते हैं तो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट्स क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड डेसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी द प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स इज हायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड क्रोमेटिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी हु अमोंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी तो इंडियन फार्मेसी का फादर कौन है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड एम एल सराफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्टी वन ए नेचुरली अक्रिंग सिंपेथोलाइटिक इच आपसे पूछा गया है कि कौन सी एक सिंपेथोलाइटिक ड्रग है जो नेचुरली अक्रिंग होती है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड रेजरफाइन अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये रेजरफाइन है ये किस में यूज करते हैं तो इसका हम एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी केज्ड बाय ए चे वन परसेंट चेंज इन द प्राइज इज नॉन एज तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री शेड्यूल एस रेफर्स टू आप सभी को पता होगा शेड्यूल एस किसको रेफर करता है तो यह करता है द स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी थायरयड ड्रग आपसे क्या पूछा है यहाँ पे एंटी थाइरयड ड्रग पूछी है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मेथिमाजोल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव द डिजीज दैट इज कम्प्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया तो कौन सी डिजीज है जिसे इंडिया से कंप्लीटली इराडिकेट कर दिया है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड स्माल पोक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स फिल्म टूमर्स इज ऑल्सो नॉन एच तो विलियम्स के ट्यूमर को हम किस रूप में जानते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड है नेप्रोब्लास्टोमा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन कुर्सी इज तो कुर्सी क्या है आप सभी को बताइए एल्कोलॉड्स है और एल्कोलॉड्स में कौन सा एल्कोलॉय्स है वो आपको यहाँ पर बताना है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ स्टेरॉयडल एल्कोलॉड्स स्टेरॉइडल एल्कोराइड्स में और भी एग्जाम्पल हैं जैसे विराट्रम है अश्वगंधा है तो ये सब क्या है एल्कोलॉइड है कौन से स्टेरॉयडल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट द कॉन्फ्रेंस बोर्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्लिंग द इंडेक्स ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लीडिंग इंडिकेटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन द कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग इज केज फीटल एबनॉर्मलिटीज इज टर्म एच तो आप सभी को पता है कि कोई ड्रग अगर फीटल एबनॉर्मलिटीज कर देती है तो उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट टेरेटोजेनेसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी। द एडिपोट टीश्यू इज न्यू बॉर्नस इज कल्ड तो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसकी एडिपो टीश्यू को हम क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे हम ब्राउन फैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पोस्टेरियर पिटरी ग्लैंड तो पोस्टेरियर प्रोटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सीक्रेट होता है एक तो ऑक्सीटोसिन होता है और एक होता है वेस्टोप्रोसिन तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वेस्टोप्रोसिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू ए क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज एज डिटर्जेंट इज तो कौन सा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है जिसका यूज हम डिटर्जेंट के तौर पर करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सेरामाइड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबोलिज्म चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोटीन मेटाबोलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड अमोनिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर बिलिंग्स मेथड इज ए मेथड ऑफ तो ये एक फैमिली प्लानिंग का मेथड है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड फैमिली प्लानिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमरडाजोल रिंग इन अमोनो एसिड इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पावलिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इज वैसे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड और सिस्टीन होता है बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड एलिनिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन द फॉर्म फॉर द इश्यू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एंड एक्सिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल इज तो शेड्यूल एक्स के लिए रिटेल पर अगर कोई ड्रग को हम सेल कर रहे हैं स्टॉक कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कौन से फॉर्म में इश्यू करेंगे शेड्यूल एक्स की ड्रग तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ट्वेंटी एफ अगर सेम यही बात अगर होलसेल के लिए बात करें तो उसके लिए कौन सा फॉर्म कौन सा फॉर्म के अंदर इश्यू होंगे तो वो है ट्वेंटी जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट द स्टडी ऑफ आर्थोफोर्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इज टर्म एच तो आर्थोफोर्स की मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिए कौन जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट मेडिकल एंटमोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन ट्रेंच फीवर इज ए तो ये एक रिकेटियल डिजीज है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी साइनोवियल सेल्स इन जॉइंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड मैक्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन इज तो फीटल के अंदर ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है वो आपको पे बताना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड स्प्लिन में अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में बोन सेल्स का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कहाँ होता है तो वो होता है में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू ट्रोपोनेमा पैलिडम इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ तो आपको बताना है कि जो ट्रोपोनेमा पैलिडम है ये कौन सा ये कौन सी बीमारी करता है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट सर्फिलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री एसिड फास्टनेस इन एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ तो एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है उसमें एसिड की स्थिरता किसके द्वारा होती है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट माइकोलिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर सेना belongs to the family of तो सेना आप सभी को पता है ये एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड है और इसकी फैमिली क्या है लेग्युमिनोसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 निकोटिनिक रिसेप्टर इज ए तो निकोटिनिक रिसेप्टर क्या है तो ये क्या है लिगैंड गेटेड कैटाइन चैनल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ़ द ह्यूमन एरेथोसाइट इच तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड ग्लाइको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन एन एलिमेंट हैविंग ए वाइटल रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इच तो आप सभी को पता है थायराइड हार्मोन का बायोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है वो होता है आयोडीन के द्वारा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ आयोडीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 एट ग्लूको कोटिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन तो ग्लूको है वो किस में शामिल किया गया वो आपको आप बताना है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड फैट मेटाबोलिस्म नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 द द कलर्कलानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ ये डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड जो है वो देते हैं ये टेस्ट क्लर्क नाली टेस्ट इसे हम शॉर्ट में के के टेस्ट भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी स्पेरिकल सेप्ड बैक्टीरिया आर टर्म एच तो स्पेरिकल सेप के जो बैक्टीरिया हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो वो है कोकाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी वन एडवर्ड ड्रग रिएक्शन डज नॉट आकाश ड्यू टू तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसके कारण होती है वो आपको देखना है पहले तो और क्वेश्चन का करा है आपसे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसके द्वारा नहीं होती तो ड्रग चेंज पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होती ड्रग चेंज पे साइड इफेक्ट हो सकता है एडीआर नहीं होता और हाइपर सेंसिटिविटी ओवरडोज या एलर्जी ये एडीआर के हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी टू पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर इज अगर मैन्युफैक्चरर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया तो कितने की पेनल्टी है वो आपको यहाँ पे बताना है तो उसकी पेनल्टी होगी हजार रुपए की तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी थ्री रेस्पायरेटी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमेचर इन्फेंट्स इज केज बाई देंस ऑफ तो रेस्पायरेटी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये अगर कोई प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होता है तो उसके अंदर रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है किसकी अनुपस्थिति के कारण तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड ले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग ए कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग तो इसे हम क्या कहेंगे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर फीसियल वेन ऑफ द कार्डियो एस्कुलर सिस्टम कार्डियो एस्कुलर सिस्टम के सुपर फिशियल वेन को क्या कहेंगे तो इसे कहेंगे हम बेसिलिका वेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और ए टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर इज टर्न एच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी सेवन द फार्मास्यूटिकल प्राइज रेगुलेशन स्कीम इज एक्साइड टू हैव तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ब्रांडेड प्राइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी एट द आर्ट ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी नाइन थोम्पसन डिजीज इज एसोसिएटेड विथ तो थोम्सन डिजीज जो है किससे जुड़ी हुई है तो ये है मस्कुलर डिस्कट्रॉफी से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग हारमोन इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हारमोन तो कौन सा हारमोन है वो जो इंसुलिन ग्लूकागोन और ग्रोथ हारमोन के सिक्रेशन को इनिबिट करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सोमैटो स्टेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन बोथ स्नेल एंड क्रैप्स आर वैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड पैरागोनीमियासिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. टू ट्रेकोमा इज ए इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ द तो ट्रेकोमा किसकी डिजीज है आई आईसी रिलेटेड डिजीज है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. थ्री एनसाइक्लोस्टोमा डोडेनल इज़। तो ये क्या है नेमा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जेनरिक नेम है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एनल जीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 नाइन्टी इज एसोसिएटेड विथ तो से एक डिजीज है ये कि किससे जुड़ी हुई है ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशियंसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइंटी सिक्स डिग्लूटीन इज ए टर्म रिलेटेड तो डिग्लूटीन किससे रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइंटी सेवन द विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन इज तो कोलेजन के बायोसिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है वो आपको यहाँ पे बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट ए अल्जाइमस डिजीज विच पेप्टाइड लेवल इज इलिवेटेड तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बीटा एमाइलोइड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन द ऑर्थोटोलियन टेस्ट इज परफॉर्म फॉर एसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट क्लोरिनिशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हंड्रेड इंडियन एक्वनाइट इज ए कॉमन नेम for तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड एक्ोनीटम चश्मानु थम तो ये हमारे फार्मा पार्ट के एम कवर होते हैं सारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत राम राम सर